Yes, boys and girls, very good morning, good afternoon, good evening, as per the time that you're watching this video. So in this video, we are going to interact with various rank holders, starting with All India rank 10, then rank 21, rank 22, rank 17. Okay, we are going to interact with them. And one of the parents of the rank holder is also there, जो कि हम लोग साथ में इंटरेक्शन करेंगे एक एक करके. सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग एक एक करके रैंक होल्डर लोग से इंटरेक्शन कर रहे हैं अभी. एंड अंटायर टीम ऑफ एमबीपीएल का इसमें कंट्रीब्यूशन है. ऑब्वियस सवाल है, स्टूडेंट का हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट स्टूडेंट्स एंड अंटायर टीम ऑफ एमबीपीएल, ऑल फैकल्टीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, गौरव कबरा सर, दिव्या अग्रवाल मैम एंड संजीव पांडे सर, जिन्होंने इतना बढ़िया से इन लोगों को पढ़ाया. ओके, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. सर, दिस इज सौम्या इप्सा विथ ऑल इंडिया रैंक 10. थैंक यू सर. मेरे लिए ये बहुत बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं इधर इस स्टेज पे आके खड़ी हूँ आपके साथ. इट्स रियली अ प्राउड फीलिंग टू बी हियर बिकॉज देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई वाज सिटिंग इन द क्लास इन द बेंचेस एंड इट वॉज लाइक कि यहाँ रैंक होल्डर्स आके इंटरव्यू देते थे और मेरे मन में वही रहता था कि वहाँ पे जाना है मेरे को सर के साथ, उधर उधर देना है मेरे को, बात करना है उधर सर से. तो एक अलग ही फीलिंग अभी हो रही है मेरे को. हाँ, एक बात है कि आई शेयर सम मिस्टेक्स दैट आई मेड. मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की. अगर नहीं की होती तो शायद आई वुड बी ऑफ अमॉन्ग वन ऑफ द टॉप 3 स्टूडेंट्स रैंकर्स. हाँ सर, ऑब्वियसली एकदम. तो फर्स्ट मिस्टेक है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड लाइव क्लासेस जैसे ही बंद हुए हम लोग के, तो सर से कॉन्टैक्ट मिस हो गया. फिर स्टडी से भी कॉन्टैक्ट उसके कारण मिस हो गया बहुत ज़्यादा. हम लोग अपने बुक्स से एंड सर से सबसे कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था, तो पढ़ाई लिखाई भूल गया था. हाँ 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 हाँ, तो उसी के कारण तो अभी जो है वो हुआ है, दैट्स अ रीज़न. लेकिन हाँ, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट कि वी नीड टू बी वेरी रेगुलर विद आवर स्टडीज. वी शुडेंट लूज कॉन्टैक्ट विद आवर स्टडी मटेरियल्स. और किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो भी टीचर है, जैसे मोहित सर से हम लोग बात कर लेते थे जब कोई प्रॉब्लम होता था, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बुक से कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ना है. और कॉन्स्टेंट रिविजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज सच. कंटिन्यूसली इवन इफ यू आर डूइंग इट अनइंटेंशनली, डजंट मैटर, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जा रहा होता है. तो दैट इज़ समथिंग. इसमें मैं एक क्रेडिट, एक रोल, कंपनी लॉ क्विज एक कंडक्ट हुआ था सर ICSI के तरफ से, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. फाइनल राउंड में टॉप 4 में जाके सर अनफॉर्चुनेटली मैं एलिमिनेट हो गई थी. क्योंकि उसमें पार्टिसिपेंट जो लोग रहते हैं ना, उन लोग एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सब साथ में रहते हैं, इसीलिए तो वो एक मिस हैपनिंग था. बट ऑब्वियसली हाँ, लेकिन उसके कारण, मतलब वो मेरे को एक रीज़न दिया जिसके कारण मैं बुक्स, स्पेशली बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ के लिए बहुत ज़्यादा मैथ्स को बार बार पढ़ रही थी, उसके सारे राउंड्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी. तो आई डोंट रिग्रेट कि उसमें, चलो मैं टॉप 4 में आके सिलेक्ट नहीं हुई, दैट्स अनदर थिंग. बट आज तो ऑल इंडिया रैंक 10 है, तो उसमें एक प्राउड फील. हाँ एकदम. हाँ सर, अभी इनरोल करवा लिए तो आप ही के यहाँ पे तो क्लासेस स्टार्ट. हाँ, लाइव क्लासेस जो यूट्यूब पे था वो कर रही हूँ साथ में, और बाकी के क्लासेस अभी देखते हैं कल से स्टार्ट होगा फिर कंटिन्यू. हाँ सर, एकदम. नो सर, आई लाइक टू थैंक यू लॉट बिकॉज अगर आपका वो टीचिंग स्टाइल और वो कंसेप्ट क्लियरिंग नहीं होता ना, मैं लास्ट के 15 डेज पढ़ी हूँ दिसंबर में. ये सब मत बोलो. आ आ आ, ये गलत है. पहले पढ़ा होगा बट एहसास नहीं है. जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग रहते हैं ना, उन लोग ऐसे लास्ट का 15 डेज पढ़े, बट उसके पहले तो पढ़ा था. लास्ट रिवीजन 15 दिन का था, राइट? हाँ, पेरेंट्स वे लाइक कि तुम लोग लास्ट 15 डेज में, अगर तुम्हारा ये ऑल इंडिया रैंक 10 था रिवीजन करके, तो अगर तुम 1 month पढ़ी होती ढंग से तो तुम कुछ और आती हो, तो पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. लेकिन अभी शुरू से सिस्टमैटिकली जैसे पूरा बता रखे हम तुम लोग को, वैसे ही पढ़ना है. ओके, नाउ वी हैव ऑल इंडिया रैंक 17, रमा शर्मा, राइट?
हेलो, दिस इज रमा शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 17. सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलेंगे सर को, बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट की वजह से ही मेरा 17 आया ऑल इंडिया रैंक. और इनके लेक्चर्स तो बहुत अच्छे हुआ करते थे. मतलब क्लास में मेरे को आधा से आधा चीज़ तो याद ही हो जाता था, और घर जाके बस रिविजन करने के लिए बस बचा रहता था. बहुत हेल्प होता था, और MCQ मैथ्स रहता था, एकदम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किए लास्ट के टाइम पे. तो अभी तो एक्चुअली हमारा क्या हुआ करता था कि पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, उसके बाद फिर डेट्स आ जा रहे हैं, फिर पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, फिर डेट्स आ जा रहे. तो एक टाइम टेबल बना लिया, स्टार्ट किया पढ़ना, हाफ टाइम टेबल कम्प्लीट हुआ कि जैसे कि फिर से पोस्टपोन्ड हो गया. तो फिर वो थोड़ा लूज हो जाता था, बट फिर से सर का वीडियो आ जाता था मोटिवेशनल, तो हाँ नहीं मोटिवेशन आ गया है, अब पढ़ना एकदम बिल्कुल भी अच्छे से. तो फिर उसके बाद से फिर से टाइम टेबल बनाया, फिर से एकदम अच्छे से पढ़ा. फिर लास्ट में जो दिसंबर वाला टाइम टेबल निकल गया था, तो यस अब एकदम फाइनल है, ये वाला एग्जाम तो होके ही रहेगा. और सर का टाइम टेबल वाला वीडियो भी आ गया था कि यस करना है अकॉर्डिंगली, पूरा उसके मतलब टाइम टेबल बनाया, पूरा डिसिप्लिन होके पूरा अच्छे से पढ़ा है. और स्टार्टिंग से मेरा गोल था कि हाँ AIR लाना है. सर की क्लास में भी जब AIR सब आते थे, अपना इंटरव्यू देते थे, उसी टाइम माइंड में एक मोटिवेशनल बूस्टअप आ जाता था कि हाँ हमको भी रैंक लाना है, हमको भी वहाँ खड़ा होना है, हमको भी सर को प्लस अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना है. और सीरियसली जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे से ज़्यादा खुश मेरे पापा मम्मी थे, बहुत ज़्यादा. मेरा फुल फैमिली मेरे को विश किए कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब मेरे से भी ज़्यादा वो लोग खुश थे. और थैंक यू, ऑल थैंक्स टू यू सर, बिकॉज आप लोग नहीं होते तो सीरियसली मेरा AIR नहीं आता. नहीं, ऐसा नहीं है, आ जाता, हम लोग लकी हैं. एंड जस्ट डू इट फॉर योर पेरेंट्स गाइस, बिकॉज दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड व्हेन यू अचीव समथिंग बिग. आप जितने लोगों को नहीं बताएंगे ना, आपके पेरेंट्स जो है ना, उसका into 10x करके लोगों को ऑलरेडी बता चुके होंगे. एंड इतना ज्यादा उन लोग प्राउड और हैप्पी फील करते हैं, मतलब इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी वर्ड्स एट ऑल. तो डू इट फॉर योर पेरेंट्स, डू इट फॉर दिस डे. जितना भी आप पेन ट्रबल ले रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो हैप्पीनेस आप देंगे अपने मॉम डैड को, फैमिली को, कुछ भी नहीं है जो पेन ट्रबल आप लेंगे. और एग्जीक्यूटिव भी इसी प्रकार से झंडा गाड़ना है, नहीं तो ये इंसल्ट कहलाएगा कि फाउंडेशन में रैंक है और एग्जीक्यूटिव में नहीं है. आपका एक बहुत अच्छा लाइन है कि two to three years of hard work, मतलब आगे पूरा लाइफ, अगर आप two to three years of hard work आप कर लेते हैं, तो आगे का लाइफ आप पूरा अच्छे से इंजॉय करेंगे. ये बात हमको एकदम पूरा अच्छे से याद है. तो बस 2 साल या 3 साल एकदम हार्ड वर्क करने का, और आगे पूरा लाइफ इंजॉय करने का, तो ये तो बेस्ट है. ये हम स्टेयर्स पे भी लिख करके रखे हैं, 2 to 3 years of hard work is equal to 50 years of success. तो फॉलो करना है. एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हो गया ट्यूशंस? हाँ, आपका लाइव क्लासेस देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है. अभी कल से पूरा जैसे आप बताए हैं पूरा स्ट्रेटजी, वैसे ही पूरा. हाँ, रिकॉर्डिंग PD गूगल ड्राइव वगैरह सब अवेलेबल है, आराम से फटाफट करो. चलो, सो नाउ वी हैव रिद्धि चोपड़ा, ऑल एंड रैंक 21. एक एक रैंक का कीमत है भाई. चलो रिद्धि, शेयर योर एक्सपीरियंस. दिस इज रिद्धि चोपड़ा एंड आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 21. सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपको एंड गौरव सर आपको भी. आप लोग के गाइडेंस के बिना एकदम पॉसिबल ही नहीं था. लाइक जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब एनरोल कराए थे, तब बहुत डर गए थे कि कैसे होगा कैसे होगा. लेकिन जब फर्स्ट टाइम क्लास में आए, इतना मोटिवेशन मिला कि मन करा था और पढ़े और पढ़े. और लाइक एनरोल कराने के बाद जब क्लास में, आई थिंक फर्स्ट वीक में ही CA का रिजल्ट निकला था, तो वो लोग आए थे रैंक होल्डर स्टेज पे, तो हम सोचते थे एक दिन हम भी जाएंगे वहाँ पे. तो वो हुआ. हाँ, वो लोग आए थे, हम सोचते थे हम भी वहाँ जाएंगे, थोड़ा बोलेंगे. फिर सर जैसे लॉ पढ़ाते थे हम लोग को क्लास में, तो सर जो पढ़ाते थे एकदम तुरंत कॉन्सेप्ट हम लोग को एकदम समझ में आ जाता था. और सर जैसे बोलते थे कि घर जाके रिवाइज कर लेना उस दिन, तो लिटरली सारा सर जो उस दिन पढ़ा पूरा हम लोग वो भी एकदम सेम टू सेम घर जाके वैसा पढ़ लेते, तो पूरा दिमाग में बैठ जाता था. और सर का तो कंटिन्यूस रिवीजन एंड टेस्ट भी होता था, तो वो हम लोग सारा किया है. हम सर का कोई भी क्लास मिस नहीं किया, सारा क्लास किया है लाइव. और लाइक पढ़ने के टाइम लास्ट का रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 to 20 days. सर का यूट्यूब में वो टाइम टेबल आया था, हम पूरा टाइम टेबल सर जैसे बोले तो उस हिसाब से पूरा, हाँ सर पूरा उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़े थे, एकदम जैसे सर बोले एकदम सेम टू सेम वैसे पढ़ते गए. थैंक यू सर. और सबसे ज़्यादा मेरा मोटिवेशन था लाइक मॉम डैड को बहुत ज़्यादा प्राउड कराना है. और सबसे ज़्यादा इसमें मेरी हेल्प किया मेरी बहन, वो रात भर मेरे साथ पढ़ती थी, हमको भी पढ़ाती थी, छोटी है.
बहुत हमको बोलते तुम पढ़ो पढ़ो, पढ़ती नहीं हो। ये भाई बहन में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं और भाई भाई में भी नहीं होता, लेकिन बहन बहन में हो जाता है ये चीज। बात बाकी लोग चलो बहुत बढ़िया। एग्जीक्यूटिव का हाँ सर स्टार्ट कर लिया, आपके यहाँ ही किया स्टार्ट कर लिया, और जैसा आप बोले एकदम वैसे ही पढ़ेंगे हम। गौरव सर इफ यू हैव क्वेश्चन। सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, पर एक बात है कि जिस तरह आपको प्रीवियस इंटरव्यूज ने इतना इंस्पायर किया, आप खुद सोचो कि अभी कोई आपसे इंस्पायर हो रहा है, आपका इंटरव्यू देख रहा है और वो पॉसिबल रैंक होल्डर है फ्यूचर का। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपने इस चीज को और आगे बढ़ाया है, सो दैट्स रियली नाइस, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब हम लोग के पास ऑलराउंड रैंक 22, ऑलराउंड रैंक 22 अलॉन्ग विथ हर मॉम, तो जोरदार तालियां पहले तो मम्मी जी के लिए। सबसे पहले आप अपना फीलिंग्स बताइए, उसके बाद हम आपकी बच्ची से बात करेंगे। सर फीलिंग्स ऐसी हैं कि जैसे आपने बताया कि मम्मी पापा की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं, कितने खुश हैं ये भी इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हम लोग कि हम लोग कितने खुश हैं। और किसी का भी अचीवमेंट, और ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे अचीवर्स हों ना हों, लेकिन दूसरे के अचीवर्स बच्चे देख के वो खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसा ही करें, और ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है हमेशा अपने बच्चों से। मेरी दो बेटियां हैं, दोनों ने ही मेरा बहुत नाम रोशन किया है। ये बड़ी है कि छोटी है? ये छोटी है, बड़ी वाली भी अच्छे अच्छे मार्क्स से हर बार क्लियर करती हुई आई है, वो सीए कर रही है। एक्सेलेंट। और उसका वो इंटर हो चुका है सीए, फाइनल कर रही है अभी। और ये तो बचपन से ही जो बोलती थी ये मेरा सपना है, उसको एक एक करके टारगेटेड करके अचीव करने की कोशिश करती थी। जब क्लास 5 में थी तो सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंटर स्कूल स्टोरी कंपटीशन के लिए बुलाया गया था, तभी मेरे को बोली थी मम्मी एक दिन हम इस कॉलेज में पढ़ेंगे। तो लगता था उस वक्त हम लोग के लिए थोड़ा ऐसे लगता था कि ठीक है भैया बोल रही है, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। टेंथ आते आते बोलने लगी कि एटलीस्ट मेरे को मतलब दीदी से ज़्यादा लाना है, दीदी 95% लाई थी तो इसने करके दिखाया 97.2% लेके आई। फिर 12 में कि मेरे मम्मी 10 में लाना बहुत इजी होता है, 12 में बहुत टफ होता है, तो मैं ला पाऊंगी कि नहीं, कम से कम मेरा जो है लास्ट वो कवर रखे, तो इसने वो भी करके दिखाया 98% लेके आई। और इसका टारगेट था कि हम सेंट जेवियर्स जाएंगे, वो इसने फुलफिल किया। और अब इसका यही है कि कुछ अलग करें, जरूरी नहीं है, जैसे बहुत लोगों ने कहा कि सीए क्यों नहीं, एमबीए क्यों नहीं, तो बोली कि मैं हम कुछ अलग करना चाहते हैं, इंटरेस्ट हो। और सर से तो इतना हाईली इम्प्रेस्ड है ये कि सर भी हम लोग की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम लोग को भी वैसे यही तो सर डाउन टू अर्थ कहलाता है और क्या। तो बस ऐसे ही हमारे बच्चे भी हम्बल बने नहीं, और ऐसे टीचर्स जब मिलेंगे, और गौरव सर की तो इकोनॉमिक्स से इतना इम्प्रेस्ड है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ने की और जरूरत ही नहीं पड़ती, सर ऐसा पढ़ाते कि माइंड में वहीं सेट हो जाता है, और इकोनॉमिक्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो मतलब बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं इस बात के लिए। और आपको तो थैंक्स है ही सर कि ये आपका सेंटर इतने इतने लोगों को कहां से कहां पहुंचा रहा है, इतनी काबिलियत दे रहा है। थैंक यू सो मच सर। बस आपका आशीर्वाद हम पर भी बना रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स के मॉम डैड जब ब्लेसिंग देते हैं ना, इट्स ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एक्चुअली। अब आप भी बोलिए भाई, आप थोड़े इमोशनल हो जा रहे हैं। सर इतना रेपिटेटिव है तो शायद जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को लगेगा कि इतना क्या, लेकिन सच में सर बहुत थैंक यू आपको भी, आप लोग सबको यहाँ पे, जो पूरा फैकल्टी है, क्योंकि हम लोग जब क्लासेस करने आते थे तो हम लोग को ऐसा लगता ही नहीं था कि अरे क्लास करना है, हम लोग आते थे पढ़ते थे और लगता था अरे याद भी हो गया, घर पे कुछ करना भी नहीं है। तो सर बहुत, और आपका हम आए भी रेफरेंस से थे, और आप उस स्टैंडर्ड जितना एक्सप्लेन किया जाता है उसके भी बहुत बहुत पार है सर। नहीं सर ट्रूली और ये तो है ही, और लॉ क्लासेस तो सर आपका मतलब, हम लोग जब एग्जीक्यूटिव का क्लासेस हम लोग को लेना था तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग को सर के पास से पढ़ी है, लेकिन फिर भी इधर उधर जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी बोलते अच्छा ये देख लो, वहाँ देख लेना, ये देख लेना, तो पहले तो हम लोग बोली हम लोग का बहुत माइंड ही अलग है, तुम लोग हम लोग को सब देखना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जोर जबरदस्ती जो एक दो हम लोग को वीडियो दिखाया गया तो हम लोग ये बोलते थे कि हम लोग का वो एनर्जी का है, हम लोग को इतना हैबिट हो चुका है सर का एनर्जी का कि वो जब तक आवाज वो जाएगा नहीं कान में तब तक याद नहीं होगा अब लो, तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। हाँ सर हम लोग भी दिखाते हैं, बहुत लोग आए भी है सर,
तो हम लोग वो है, और एक चीज जो, हाँ सर, हम लोग को एक बार कॉपी का फ्रंट पेज में लिखाए थे कि टुडे माय रिजल्ट्स केम आउट एंड आई एम अ रैंक होल्डर, आई हैव मेड माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स प्राउड. तो जब भी डाउन लगता था कि थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं आज नहीं पढ़ना है, एक बार उसको खोलते थे, देखते थे कि करना है तो बस करना है. बस यही है कि एक चीज जो माइंड में आ जाता है, अगर अगर आपको एक्चुअली में करना होगा तो हो जाएगा वो, फिर उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं आता है कि अच्छा कल ये. तो कंसिस्टेंसी, जैसे मेरा एक बिलीफ है कि अच्छा रहना तो फिर रेगुलरली में अच्छा रहना, आज करेंगे कल नहीं, अच्छा कल देखते हैं. हो सकता है कोई ऐसा टाइम आएगा जब, जैसे बहुत तबियत खराब है, मेरा अभी बीच में बहुत तबियत खराब था, तो ठीक है, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, बट कम बैक बेटर उसके बाद, तब उसके बाद कोई स्लैकिंग नहीं करना है. तो भाई, और बाकी ये सब हम लोग से भी बोलने, सर हम लोग रेगुलरली में ये सब बोलते रहते हैं, सारे सारे फैकल्टी के सब लोग बोलते रहते हैं, तो कोई डाउट नहीं है, एकदम बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. एग्जीक्यूटिव चालू कर दिया? एकदम सर, एग्जीक्यूटिव चालू कर दिया है. अभी तक आपसे मिलने के बाद अब जो जोश है, और जोर तोर से क्लास करेंगे. एकदम सर. अपना नाम बता दो लास्ट में पूरा. महक अग्रवाल, रैंक 22. सो दैट्स इट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, एंड आई होप कि इनका स्टोरी आपको भी इंस्पायर करे, और आपके मम्मी पापा का नाम आप भी रोशन करें, करियर में कुछ बड़ा करें, और सोसाइटी आपको जाने कि हाँ, देखो कोर्स तो बहुत लोग करते हैं, बट ऐसा करो कि धमाका हो और सोसाइटी आपको जाने, और फिर उस सोसाइटी के लिए आप पहले अपने लिए कुछ करो, वेल एस्टैब्लिश्ड हो, मम्मी पापा के लिए करो. वंस यू अटेन सच स्टैचर इन सोसाइटी, देन गिव इट बैक टू सोसाइटी बाई हेल्पिंग बाई एनी मीन्स पॉसिबल फ्रॉम योर एंड. Okay, and that's it from all of us here. Thank you. Bye-bye.